यही मेन जो श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह यहाँ बुढ़िया का रूप बदल के प्रकट हुई थी। चमदौआ नाच जैसे सामने नदी है उस पर पुल था, उसी पुल पर माता जी बैठी थी बुढ़िया के रूप बदल। वो मजाक उड़ा करके काट के पुल पर सवार हो गए पार करने के लिए, वो शराब दे बैठी, काट का पुल टूट गया उसी कुंड में। हाँ, तीन बार आ चुके। अच्छा, तीन बार। हाँ, मुख्यमंत्री बने। हाँ, आए महाराज जी दर्शन से कराए, आरती पूजा कराए, रक्षा बांधे, तो दक्षिणा के रूप में हम रोडही मांगे। शाम को 6 बजे के बाद दीपक को जाकर हम लोग चले जाते हैं, जो गाय गोरु घूमते हैं वो और हनुमान जी, यही लोग रात को रहते हैं। रात को एक आदमी नहीं मिलेंगे आप। घर में थोड़ा कष्ट भाव, सफैया करेंगे, पैसा आ गया, काम चल रहा है, 1,62,00,000 आया है। नमस्कार, मैं अशोक यादव आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले का एक मंदिर है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है, बुढ़िया माता का मंदिर है। मेरे पीछे देख सकते हैं बुढ़िया माता का मंदिर है। यहाँ पे जो भी श्रद्धा सुमन से आते हैं अपने मन्नतों को मान के, ये माता जी का यहाँ पे उनका पूर्ण होता है। सबसे पहले बता दें यहाँ का इतिहास क्या रहा है। ये जो तालाब दिख रहा है ये बहुत लोग भोजपुरी में कहते हैं, ये जमकातर इसको लोग भी बहुत लोग बोलते हैं। यही वो तालाब है, यहाँ पे एक बारात जा रही थी, इस बारात को लोग बताते हैं नाव से बारात जा रही थी, बीच में नाव डूब गया था, यही वो तालाब है। हम आपको ले चलते हैं और भी दिखाते हैं। यहाँ पे बुढ़िया माता का मंदिर है जो यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बंदर है, जिसे हम लोग भगवान के रूप में भी मानते हैं, हनुमान जी का मानते हैं, है नहीं मानते हैं ना हम लोग? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। ये बताइए, आप लोग मंदिर पे आए हैं जी, यहाँ पे कितने दिनों से आते हैं? अरे हमको तो लगभग 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आप मतलब आते हैं यहाँ पे, मन्नत मानते हैं पूरा हो जाता जी, है? जी, जरूर पूरा। क्या रहस्य है यहाँ पे लोग आते हैं, क्या प्रेम है लोगों का यहाँ पे मंदिर आने का? श्रद्धा है अपनी, बस जो मंदिर मन से मानते हो पूरा हो जाता है। जरूर जी, जरूर हो जाता है ना। ये तो माता की कृपा है। अच्छा, 25 साल से आ रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दिखाते हैं। यही मेन जो श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं, यहाँ का कितना प्रेम है, यहाँ पे माता के प्रति कितना प्रेम है, कितने श्रद्धा भाव से लोग आते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे, एक काउंटर पे भैया जी रह रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया जी क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, फौदार। फौदार जी, हाँ, यहाँ पे कितने दिनों से आप रहते हैं? 10 सालों से रहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? शैलेश। शैलेश जी, 10 सालों से आप रहते हैं यहाँ पे, पहले और अब आपकी तुलना में कितना विकास हुआ है? बहुत कुछ विकास हुआ है। विकास हुआ है। धर्मशाला जो पोखरा है, धर्मशाला भी हो रहा है विकास। धर्मशाला का विकास हुआ है, शौचालय का विकास हो रहा है, सड़क बन गई। सड़क बन गई, पहले ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, यानी सड़क बन गई। यहाँ पे पोखरे का सुंदरीकरण हो रहा है, और क्या हो रहा है? धर्मशाला का सुंदरीकरण बन रहा है, बाद में उसका सुंदरीकरण होगा, मंदिर का भी सुंदरीकरण हो रहा है। हम लोग मंदिर आस्था पे मौजूद हैं, मंदिर में मौजूद हैं माता जी के। ये माता जी के मंदिर का रहस्य क्या भैया? ये बहुत पहले की बात है, जिस समय काफी घना जंगल था, यहाँ थारुओं का शासन था। थारू का? तो उस समय माता जी जो है जलपा के रूप में आई थी, लेकिन ये जलपा के रूप में तब आई थी, यहाँ पे काठ का पुल था। अच्छा, जी। तो हरजनों की बारात जा रही थी, माता जी जलपा के रूप में प्रकट हुई, बोली उनसे नाच दिखाने के लिए, लेकिन बाराती मजाक उड़ा दिए, जो जोकर था वो नाच दिखाया। अच्छा। तो पहले के बारात मजाक होते थे, बारात गई, जब तीसरे दिन बारात वापस आई, एक दिन वहाँ मजाक मतलब वो लोग वहाँ रुकते थे। हाँ, तो फिर माता जी जलपा के रूप में ही प्रकट हुई, फिर नाच दिखाने के लिए बोली, लेकिन बारात मजाक उड़ाए, बाराती मजाक उड़ाए। अच्छा। जो जोकर था नाच दिखाया, लेकिन माता जी को क्रोध आ गया जब बाराती मजाक उड़ाया, तो वो मजाक उड़ा करके काट के पुल पर सवार हो गए पार करने के लिए, वो शराब दे बैठी, काट का पुल टूट गया, उसी कुंड में समा गया। अच्छा। और माता जी अपने वास्तविक रूप में जोकर को अपना स्वरूप दिखाई थी। अच्छा, यानी जोकर बच गया और बाकी सारे लोग जो बाराती जा रहे थे वो खत्म हो गया, वो पुल टूटा, सारे लोग उसमें डूब गए, डूब गया। पे मतलब उन लोगों का हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। तभी से माता जी का ये जागता मंदिर कहा जाता है। शक्तिपीठ मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर जी है ये जागता। आइए, हम यहाँ के पुजारी जी है यहाँ पे। भैया थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा अंदर दिखा दीजिए क्या क्या है यहाँ पे। वो देख सकते हैं, हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जो भी पूजा पाठ करने वाली यहाँ पे माताएं बहने वो सारे लोग यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे पुजारी जी, इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा। प्रणाम सर।
यहाँ पे देख सकते हैं तमाम भीड़ लोग हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक मिनट की इनसे थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा बात करने के लिए, इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पंडित जी के बारे पंडित जी भी मौजूद हैं और सारे श्रद्धालु भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जाना तो जाइए। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। ये बताइए सर, कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 40 साल से। 40 सालों से रह रहे हैं। ये माता बुढ़िया जी का जो मंदिर है, ये रहस्य क्या है? लोग बताते हैं शक्ति पीठ है, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। हाँ, क्या रहस्य, कैसे मतलब यहाँ पे इनका वो? यहाँ बुढ़िया का रूप बदल करके प्रकट हुई थी। अच्छा, माता जी एक चमदौआ नाच, जैसे सामने नदी है उस पर पुल था, उसी पुल पर माता जी बैठी थी बुढ़िया के रूप बदल के, दुर्गा जी। अच्छा, दुर्गा जी के रूप बैठ के। दुर्गा जी यहाँ बुढ़िया के रूप बदलकर बैठी थी उस पर, कोई चमदौआ नाच जा रही थी, बोली कि हमको सभी लोग नाच दिखाइए, जो माता जी बोली नाच दिखाइए। हाँ, तो उसमें जो जोकर होता वही नाचा, उस पार लोग गए, फिर उस पार से लोग आए, तो फिर कहे कि हमको नाच दिखाइए, तो सामाजिक नाच, तो फिर वही जोकर नाचा और निकल गया पूरा, और सब माया रूपी मछली उछली दिखा करके उसको उनको भ्रमित कर दिए बारात वालों के। जब जोकर निकल गया तो पुल टूट के बैठ गई उसी में। तब से प्रसिद्ध है सीट पीठ माता जी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताया यहाँ का रहस्य के बारे में। इन्होंने बताया, संत जी ने बताया कि इस मंदिर का रहस्य है, एक बारात जा रही थी, उस काट की जो नाव थी उस नाव में बैठ के लोग उस पार जा रहे थे, जो मंदिर को दिखाया है उस पार एक मंदिर है, उस नाव पे बैठ के जा रहे थे, वो नाव डूब गई, सारे बाराती डूब गए थे, और एक जोकर बचा था वही बस बचा, और बुढ़िया माता उसी के रूप में प्रकट हुई थी। आइए, और लोग भी यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? विद्या जी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, संत हैं? हाँ। कितने दिनों से रहते हैं? 2 साल हो गए। 2 सालों से रहते हैं। हाँ। ये बताइए। हाँ। ये माता बुढ़िया माता का मंदिर, हाँ, यहाँ पे क्या रहस्य है? माता जी का भी विकास हो, धर्मशाला भाई बना, उसके बाद टीचर बना, फिर से सुंदर कांड घर बनल है। सुंदर कांड। हाँ। और यही कुल विकास मसाला और सुंदर का। हाँ। यहाँ पे हम मंदिर के बारे में बताए और यहाँ पे यहाँ के विकास के भी बारे में जानने की कोशिश करूँगा। 5 सालों और पहले और अब कितना यहाँ पे विकास हुआ है देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक वीर बजरंग बली हनुमान जी भी यहाँ पे खड़े हैं, जो हम लोग मंकी बंदर कहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बताइए भैया? शाम को छः बजे के बाद दीपक उपक जला के हम लोग चले जाते हैं, जो गाय गोरु घूमते हैं वो और हनुमान जी, यही लोग रात को रहते हैं। अच्छा। रात को एक आदमी नहीं मिलेंगे आपको, कोई मतलब नहीं, एक आदमी नहीं, सुनसान रहता है, एक आदमी नहीं। हम लोग 6 बजे 6:30 बजे दीपक उपक जलाते हैं, आरती पूजा करते हैं, पुजारी रहते हैं। हमको हो गया है लगभग 26 साल से रहते हैं। सामान लेके यहाँ पे लोग कुछ आते हैं झोला वगैरह में, ये बंदर नोच लेते हैं। जैसे शहर के लोग लॉकडाउन में इनको रोटी में चीनी भरकर और मंगलवार के दिन चना भिगाकर मूंगफली का गुद्दी पौरोटी स्लाइस ले आके पक्का बिछाते हैं, खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, तो मनोबल बढ़ गया है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं? नहीं, काटते नहीं, आज तो किसी को काटे नहीं है। कब ये सब ढेर छोड़ते हैं? जब कथा किराया थोड़ा कम हो जाता है, तब जब कथा किराया जाता है तो वहाँ पर रहते हैं, तो किसी को नहीं छेड़ते। जब नहीं मिलता है तब जो है कि कोई कुछ खा रहा है तो छीन लेते हैं, ले लेते हैं, ऐसी बात है। जो यहाँ पे पूरी सब्जी पूरी सोहारी जो वही बनाते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करके, इन बंदरों को लोग खिलाते भी हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे, सबसे मुख्य बात ये है, जो पिछले मतलब जो पिछला यहाँ पे कितना विकास मतलब नहीं हुआ था, और इस बार योगी सरकार में यहाँ मंदिर में कितना विकास हुआ है? जिसे बहुत पहले मतलब सपा या बसपा के सरकार में जीएम सिंह सहजनक पूर्व विधायक थे, वो मन्नत माने थे, धर्मशाला बनवा रहे थे बगल में ही, इसके बगल में नहीं, बगल में बनवा रहे थे। अभी हम उसको भी दिखाएंगे। हाँ, तो गड्ढा भी खाना गया था तो वन विभाग ने उनको रोक दिया। अच्छा, नहीं, बसपा की सरकार थी और दर्जा मंत्री भी थे जीएम सिंह। हाँ, और फतेह बहादुर वन मंत्री थे, लेकिन सरकार रोक दी। उसके बाद ये जो धर्मशाला सामने दिखाई दे रहा है, हाँ, ये छोटा धर्मशाला था तो इसी पर उनको मरम्मत करा कर बरबस्ता के साथ बनवाया गया, लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी बने तो रोड नहीं था, तो जब यहाँ पे दे दिए आने के लिए। नहीं, आए दर्शन किए, तो दर्शन में हम दक्षिणा मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं। हाँ, 3 बार आ चुके हैं। अच्छा, 3 बार जब मुख्यमंत्री बने। हाँ, आए महाराज जी दर्शन से कराए, आरती पूजा कराए, रक्षा बांधे, तो दक्षिणा के रूप में हम रोड ही मांगे।
बोले महाराज जी जो आशा करके आते थे बरसात में वो निराशा करके चले जाते थे, कच्ची रोड थी, अब पक्की रोड, गाड़ी धस जाती थी, टट्टर आता था निकालने के लिए, लेकिन पूज्य महाराज जी का देन है, रोड बन गया। और जिस दिन इसको उद्घाटन करने आए 22 जून को, उस दिन इतनी बारिश कि मनो एक मिनट में यहाँ से रोड पे जाइए और चले आइए, चप 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 पूरा। हम लोग आए हैं पहले, 2 साल पहले आए, 2-3 साल। और बगल में धर्मशाला जो बन रहा है पूज्य महाराज जी का दिन है, बहुत बड़ा भव्य है, और इसके बगल में सटे हुए शौचालय है, बाथरूम है, सांसद कोटा से है। लेकिन मैं 2-3 साल पहले आया था, जैसा पोखरा दिख रहा है सेम वैसा ही पोखरा दिख रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, वो हम ऐसे रोड बना दिए वहाँ तक जाने के लिए। तो जैसे मामला उसमें यह था कि महाराज जी आए नहीं थे, जब महाराज जी आ गए तो जो गेड़ा गया है सामने आपको दिखाई दे रहा है, उधर जो है दूसरे विधानसभा में पड़ता है और ये वन विभाग में पड़ता है, तो इसको महाराज जी सर्वदान किए हैं, इसको पूरा सफैया करेंगे, पैसा आ गया, काम चल रहा है, 1,62,00,000 आया है, 1,62,00,000 आया है पोखरे के लिए, आया सुंदरीकरण के लिए, पोखरा भी है, धर्मशाला है, शौचालय तीनों है, धर्मशाला शौचालय सब है। हाँ, इसको सफाई करके फूल लगेगा, स्टीमर पड़ेगा, सर्वदान महाराज जी अपने स्वयं किए हैं। यहाँ पे जैसे शादी वादी के देखिए के लोग भी आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं, ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन एक शादी दो शादी ना हो, 2-4-5 कथा ना हो। और सबसे भाग्य है कि माता जी के वहाँ दरबार में जो आशा करता है वो निराशा नहीं होता है। तो लोग से और भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सिंघार। कितने दिनों से मंदिर पे आते हैं? अरे हमको हो गए 10 साल से। 10 सालों से? हाँ। 10 सालों से। आप तो मंदिर के बारे में जानकारी होगा, कुछ बताइए, क्या रहस्य है मंदिर पे आने का? जो मन्नतें होते लोग मानते हैं पूरा हो जाता है कि मतलब? हाँ, घर में थोड़ा कष्ट हुआ, वही खातिर के हम आवत नहीं भाई। आप आवत है? हाँ। माता जी पूरा करिए, जब आई है श्रद्धा से आई है। ठीक है, हमारे साथ आप रहे, माता जी का मंदिर को दिखाया, और मेरे साथ बने रहे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।